वेद जीत बैठा। अटल मैंने याद मेजर टाइम नव एमएलए बढ़िया जन डोगरा बतावता कैसा मोराटे कैन कैन यू करना हो। अबे तो कहीं डेरिया वगैरह घनी बन गई है, पहली जो है न तो साधन हाकीन की जन ढीलो बैठो तो दही जमा होता दही जमाए तो पे घी काट 15-20-25 किलो घी विजा तो पे उन्हें चाडा में भरने बाजार में लिया होता ने बेच देता तो बकरी कहनो करना आदमी हो भोज त्रोड़ लाओ तो घी ठेठ जी पूछता घी की तो लायो जवाब जी 20 किलो 20 से जवाब जी चाडा में है प्रवचन चल रहा है। कृपा करने निवेदन है सब भाइयों से प्रवचन के बीच में डिस्टर्ब नहीं करो तो अच्छा रहे होना। 20 किलो नहीं दे कई चीजें थारे सामने 1 किलो लून दे दो 2 किलो मिर्चा दे दो यूं करने ले जाओ वर्षा निकल गई। एक दिन लायो कितो घी लायो कितना 22 शेर लायो चढ़े मैं मैं मार थोड़ा जल्दी है जो को मैं हाँ जो आए नहीं वो चाडो उठी धर दिया थोड़ी देर तक वो नहीं आयो हेठ जी देखियो मैं ही नहीं मैं जो जचियो के तोल तो लू कि तो लाओ तो हेठ जी ने तोल लियो जो को 22 किलो की जगह 21 किलो ही निकली नहीं हेठ जी मा तो अरे इतना बरस भी आपने लेता ने और इतना दिन कम घी देते आयो आपने कड़ी भूल चूक बेगी उफा जाए दूजे दिन हेठ जी कोई बगड़ी गांव गया पंच बड़ा बेड़ा पंचन की भाई रे मैं तो सीर में होच तो कि हीर भी बड़ी ईमानदार कौम है और मारे हाथे तो आयो धोखो वियोजन भाई क्या जात्री गाल तो हरेक नहीं लगे पंचन नहीं बुरो लागी हो कोटवाड़ ने जाओ रे कोटवाड़ गांव बमीन के उन गुजार लगे कह नहीं कह जो उठे मेरा माते हो गुजार लाया बाप जी पंच हमें तो पंच धारो को नहीं पंचन थे अगे पहली वाला पंच हेटा गड़ा बेटा पंच बुलावता जने यूं हो दोजनी उठती आयो बापड़ो दौड़ी उड़ायो जा रहे थारा भाई काकड़ी तोला ला जिनो घी तोल तो वो दौड़ ने घर गियो ने आयो फचो उनके ताकड़ी जी अरे के ताकड़ी का बाट कटे अरे बाट जिनो तू घी तोल तो बाबू जी मार के ने बाट है ही कौन अरे थारे ने बाट कौन दिया जन घी किनू तोल तो कैसा हेठ जी में किलो किलो लून ने किलो किलो मिर्चा देता जो एक कनी बाट में धर देता हो अब हेठ जी खुद ही कम तोलता हेठ जी तो चुप वीर व्यापारी न कहानी रो मतलब वो है कि हेठ जी तो 10 रुपया किलो रो लून कम तोलता और 500-300 रुपया किलो रो घी कमाओ अगर कटी धोखा देड़ी कर लिया हो तो थोड़ा ही टाबर थोड़ी लुगाया कटे न कटे उन पैरों एड़ो दुरुपयोग कर रही है उन्होंने 10 गुणों पत्तो नुकसान पहुंचाए इन वास्ते अपन ने धंधो माता जी की हो पहलो झूठ तजो सुख पाई दूजो तो मदमास छुड़ाई और तीजो घनी बड़ा आवे हमारे बात जो समस्या आवे अटवाड़ा तो कि तीजो ब्याज पर धन न लेड़ो कैसा जाने गिरवी वाला कैसा पचो तो धर्म विरुद्ध वे नहीं मौत है जो है धंधो ही ब्याज रोज करा हाँ बात कौन दी है हाँ कहीं एक बीच में कहीं कटे न कटे कोई शब्दा नो फर्क पड़ धन माते ब्याज तो बोले कह ले जिनके धन वे अपन करते धन हो कटे अपन कहते जिनने माता जी नियम बनाया कटे अपन तो गरीबी जा ठेठ हुई माता जी ने जो मतलब हो वो हो के ब्याज ब्याजुनो धन मत ले जो मतलब कर्जदार मत बन मैं तो मारा हाथी जो किस्सो जोड़ो जो बताऊं घड़ी बड़ा बताई दो पर फाजो बता मैं एमएलए हा रमाश नी बाला ये गांव आयोड़ो सोचे तक दे एक कालू नाम रो करीब करीब मैं तो इतना साल 25 साल एमएलए का जो गांव रहा करीब हो पचा आज मैंने नाम हो जड़े ही कालू बिलड़े आयो अरे कालू की करायो रे जब आप जी हेड जी मारी जमीन कब्जे कर अरे हेड जी थारी जमीन की कब्जे कर ली मैं एमएलए बने वाला बैठा हाँ यू कोई अन्याय यू थोड़ी हूं मैं किन की खामी वेला जमीन किन नाम मत है कैसा जमीन तो हेड जी ने नाम मत है मैं भी जमी हेठ जी ने नाम आते तू कहीं मांगे रहे कैसा आज 40 बरस पहली जिन टाइम डोगरा जीवता ने हेट अमार जो हेट है उनका बाप जीवता उन टाइम में मोरे वा जमी भैया दे दिया पूरा जमी हेठ जी ने जमीन बेचनी मोरे लेनी
और वह जमीन मैंने कब्जे कराए दिन उनमें मैं दी पाई रजिस्ट्री बात जिनका माई तो कर्जा कराए नहीं हो रहा हमारा थोड़ा मोर ठीक होनी देखो जू वो मल महीनों निकले जाने कराए दो यू करता करता सा टाइम निकल गो कहता जन हेड़ी कहते करिया थारी जमीन कब्जे कराए दी थारे कर थारे थारे का ही फर्क पड़े यू कहता कहता हेड़ जी मर गए मर ढोका ही मर गए 40 सालों में ऐसा मेहंदी निदाना करना बाट में लवा नाम के भाई वारो बेटो गियो जो को मेहंदी काटने लिए मैं घरे गियो ने के उन वास्ते जनो बेटो बोल जा जमी मारे मारे बाप री थूका ही मांग पर सा पूरो गांव जाने है कि जमी मोरी है पया दियोड़ा मने टाइम हो मैं के यू कर तू जापरो मारे परसों टाइम है मैं गांव ने भेड़ो करने राख जे जो आप बात कर मैं उठे पहुंच गया चौटर मायने करीब करीब 150 आदमी सब कौम रहे बिला गिर है जड़े एक ही बात के कैसा हेट नीत खोटी वेगी हेट नीत खोटी वेगी जमी कालूरी मैं कहा वाची वाकई बात सही है कैसा सही है मैं को बुलाओ हेट जी एक आदमी गयो हेट जी ने बुला लिया हेट जी आया ना रामा समा कर अरे साहब अरे मैं हेटा हो कालू कहीं के अरे कैसा कालू वास्ते पता लिया कहीं आप मैंने हुक्म फरमा देता मैं बिलड़ आ जाता हूँ और मैं को बिलड़ अपनी जरूरत को नहीं वही जाके आएगा कैसा कालू कहे मुझे बात हो मारी झूल लो अरे मैं हेटा हुनो सही कालू कहीं क्या कैसा मारी झूल लो मैं कवच हेटा कैसा जमी कालू रो बाप मारा पिताजी ने पूरा पया दिया जमी कालू ने मैं भेज दी रजिस्ट्री नहीं भी तो कहीं भी हो कल जान रजिस्ट्री करा दी अरे मेरे हेट बड़ो भलो है तो मेरे हेटा जड़े है रजिस्ट्री कराओ नहीं जड़ो वा फसल की फिर बाढ़ ने लिया है क्या ओ विशेष साहब बता रहो बता रहो बता रहो हटिया मेरा पुराना वोटर हो हरिवासरा मैं हेटा थे तो कैसा मरे थोड़ो हिसाब बाकी है जो को मरे दिलाए दो मैं क्यों कल थोड़ा का हिसाब बाकी है भाप जो हारे तो कोई हिसाब बाकी को हेट के आप हुक्म दे रहा हो तो मैं हिसाब लियो मैं जाओ लियो हेट जी एक तो चौपनियों लेन आया एक वा फाइल लेन आया मारे कहने दो चीजा धर दी फाइल मैं खोली देखू तो मैंने बिगोड़ी दी रसीदा उन्हें बिगोड़ी की थी 28 28 रुपये की वाह बिगोड़ी जमा हेड जी कराओ क्योंकि जमीन हेड जी नाम में थी दूजो कान मन चौपनियों खोल में दियो वो 28 रुपया ने माते खातों मांड दियो 28 रुपया दिया उन माते 2 रुपये मिलती ब्याज फिर हर साल 28 रुपये जुड़ता गया ने ब्याज जुड़ते गया मैं पाना रोल तो की हो आखिर पाना मत जाए ने रकम देखी रकम बनी 10 लाख ने 8 हजार अरे मैं कालू तो यार बिगोड़ी नहीं भरी कैसा मैंने कोई क्यों ही को नहीं पेट जी कैसा मारे यार पिताजी मुलाकात थी मैं जो इनका पैया नहीं दिखे जो मैं भर दू टेम आए जने दे दे रुपया 28-28-40 साल बढ़िया कितना भैया 1120 रुपया और ब्याज यू क्यों करते तो करीब करीब कैसा भला पड़ा ब्याज वाले जो आपने कहा है ब्याज की कृपत है जो अबे भैया तो वहां मोह घड़ी पंचायत जी करने वाले मोह चुप गया था बड़े 2000 डोक रहे जन भेट जो पूछो बताओ इन जमीन की कीमत बताओ यार कोई बोले को नहीं बोले को तो एक अफवाह नहीं है अच्छा कोई थोड़ा सो कहीं हुई था 8-9 लाख में और क्या न्याय कर दिया हाँ सस्ती जमीन है कहने पर मैं साहब रहा हमें कह दिया मैं तो नोड़ो नहीं दू अभी वो मार्ग नहीं आया क्या साहब आप बिलारा दीवान साहब बहुत न्यायी आदमी आप रे हाथ में अन्याय नहीं है हमें हाँ 10 लाख में 9 लाख की तो जमीन आएगी 1.5 लाख बाकी रखो वो दे आई दो कहीं पंचायती करने पता रहा और हम उन्हें 1.5 लाख तो माफ कर अपना जमीन खाएगो जो को खाएगो तो आ क्यों ना मतलब आए गए उन टाइम में माई ने माता जी नहीं चाहता कि आपा कर्जदार बना जने कि भाई कर्ज पया ब्याज हटे पया मत लीजो ब्याज और व्यापार था बैंक की है पूरी दुनिया ब्याज मत ही चले है और इन अंग्रेजी में नाम है इंटरेस्ट पूरी दुनिया इन इंटरेस्ट मत ही घूम रही है
तो तीजो आप उन बात की चिंता करनी माध्यम देवनी जरूरत को नहीं। आप जो धंधो कर रही हो उन बात कोई गैर धार्मिक बात को नहीं। आप माता जी ने नियम अनुसार ही काम कर रही हो। और चौथे जुआ कदी नहीं खेलो, जुआ मत खेलो। जुआ में समझ लीजिए है जो शेर का सट्टा वट्टा ही है जुआ ही है। अपने धंधा अपने माता जी ने कहा ना दियोड़ो तो दियोड़ो गए अपने लॉटरी ने शेर का धंधा ए सट्टा अपने नहीं खेलना। पंचम पिता की सेवा, मां बाप रे आशीर्वाद ले जो सेवा मतलब कोई पग दबाने की जरूरत को नहीं। डोकरा ने ओढ़ो मत दी,